जय श्री माता जी। आज एक सवाल आया था कि हार्ट अटैक क्यों हो रहा है और जवान लोगों को भी हो जाता है। अभी हमारे कोई एक्टर थे तो बैठे बैठे ही बेचारे थोड़ी उम्र में ही कुर्सी बैठे बैठे ही चले गए, हार्ट अटैक हो गया। तो हार्ट अटैक क्यों होता है? तो वो रीजन ये है कि इसके एक कारण नहीं है। हार्ट अटैक जब बच्चा जन्म लेता है, अगर माँ बाप संतुलन में नहीं होते हैं तो तब भी हो जाता है, तब भी बहुत जल्दी आता है। जो माँ बाप बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं ऐसे बच्चों को बीमारी बहुत लगती है, जिनकी आपस में पटती नहीं है, 24 घंटे उनको तीन का आंकड़े में रहते हैं तो परेशानी रहती है। हार्ट अटैक गलत मंत्र लेने से आता है, हार्ट अटैक गलत दृष्टि रखने से आता है। अगर हम किसी को दृष्टि सही नहीं रखते हैं तो हार्ट अटैक बहुत जल्दी आएगा, क्योंकि सिर तत्व बंद हो जाएगा। गलत मंत्र लेने से आता है। जो रिश्वत बहुत ज्यादा लेते हैं, बिना पैसे के काम ही नहीं करते, ऐसे लोगों को हार्ट अटैक बहुत जल्दी आएगा, क्योंकि अब पांचों तत्व काम कर रहे हैं। तो हार्ट अटैक का कारण एक नहीं है, हार्ट अटैक का कारण बहुत सारे हैं। एक आदमी है, वो बहुत ज्यादा जिम वगैरह करता है, एक्सरसाइज करता है, तो उसकी बॉडी इनबैलेंस हो जाती है और उसे हार्ट अटैक आता है। हद से ज्यादा दान पुण्य करता है, उसको भी हार्ट अटैक आता है, क्योंकि लोगों को मालूम नहीं है कि दान क्या करना है। दान केवल आत्म साक्षात्कार किसी को देते हैं तो सबसे बड़ा दान है। अगर ये पक्षी इनको खिलाते हैं और ये काम करते हैं और भंडारा लगाते हैं, ये दान नहीं है, इससे भी हार्ट अटैक आता है। तो हार्ट अटैक का एक कारण नहीं है, बहुत सारे कारण है। गलत गुरु है, जो गुरु आत्म साक्षात्कार नहीं देता और आप उसके पैरों में जाकर मत्था टेकते हो रोज, तो हार्ट अटैक आ जाएगा। डेली मंदिर जाते हो, डेली नमाज पढ़ते हो, लेकिन उसके अनुकूल नहीं चलते। अगर हम उसके अनुकूल नहीं चलते हैं तो तब भी हार्ट अटैक आ जाएगा। हद से ज्यादा हम पैसे के बारे में सोचते हैं, महाकंजूस से पैसा भी हो तब भी हम कंजूस की तरह रहते हैं, तब भी हार्ट अटैक आ जाएगा। पैसे को खर्च ही नहीं करना। अरे भाई, दो रास्ते खुले हैं आने के, पैसे तो बैलेंस होगा नहीं, ज्यादा जमा हो जाता तो वो यही सोचता है कहां लगाऊं, कौन सी प्रॉपर्टी में, कौन सा शेयर खरीदूं। और शेयर खरीद लिया तो बढ़ा कि नहीं बढ़ा, घटा नहीं घटा, इसी में परेशान हो जाता आदमी। तो जैसे ही चित्त आपका आत्मा से हटा और हार्ट अटैक आया। शिव के खिलाफ जो काम करते हैं लोग, जो चालाकी करते हैं हद से ज्यादा, दूसरे को दबा के रखते हैं, ऐसे लोगों को हार्ट अटैक आता है बहुत जल्दी। लेकिन जब आप सहयोग करने लगेंगे और आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो जाएगा तो आपको हार्ट अटैक की बीमारी खत्म हो जाएगी अपने आप, और आप एक बहुत अच्छे इंसान हो जाएंगे। अगर हार्ट अटैक की बीमारी भी है तो वो ठीक हो जाएगी। सभी घर के लोग सहजोग को अपना ले। श्री माता जी इस धरती पर इनकार्नेशन है, भगवान के अवतार के रूप में आइए, आप इनको पहचान लीजिए। जहां इनका फोटो लग जाता है उस घर में किसी इंसान को कोई लंबी बीमारी नहीं आती है, अगर वो अनुकूल चलता है। अगर सहयोग करने के बाद भी वो प्रतिकूल चलता है, अनुकूल नहीं होता, तो तब भी परेशानी आ जाती है। ये नहीं कि सहयोग एक गंडा बांध दिया है और बस ये हम तो सहयोग, हमें तो कुछ होगा नहीं। जैसे ही गलत करेगा तुरंत असर होगा। तो इसलिए सहयोग आप ठीक से करिए और हम गारंटी देते हैं कि हार्ट अटैक नहीं आएगा। शिव के पूजा सुनिए, शिव के 108 नाम लीजिए, हार्ट अटैक खत्म। लेकिन वो नाम हम बताएंगे कैसे लेंगे, ये नहीं है कि आप अपनी मर्जी से नाम लेना शुरू कर दें। अगर जरूरत है तब हम शिव का मंत्र देंगे, अगर जरूरत नहीं है और राम का मंत्र की जरूरत है तो फिर राम का देंगे। हार्ट अटैक लेफ्ट साइड से भी आता है और राइट साइड से भी आता है, ईड़ा नाड़ी से भी आता है, पिघला नाड़ी से भी आता है। तो दोनों को जब ठीक कर दिया जाएगा तो हार्ट अटैक की बीमारी खत्म हो जाएगी। और किसी को भी हार्ट अटैक हो,
आप उसे सहज होकर आ दीजिए, 15 दिन में देखिए बदल जाएगा, उसके परिवार के लोग बदल देंगे, उसको ठीक कर देंगे, हमारी जरूरत नहीं बार बार। तो इसलिए मेरी सब गुजारिश है मीडिया से भी और भारत सरकार से भी कि इस सहयोग को जन जन तक पहुंचाने की कोशिश करें, जिससे ये लंबी बीमारी जो आजकल अचानक चल रही है, फोबिया की बीमारी है, हार्ट अटैक है, एलर्जी है, आपके एपिलेप्सी है, ये सब बीमारी सब समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि अब सत्युग चल रहा है, अब इसमें दवाई गोली इतना काम नहीं कर पाएगी, साइंस फेल हो जाएगी।